मैंने रोकने का कोई फायदा नहीं, मैं मरने का फैसला कर चुके हैं। मैं आत्महत्या करनी है। आत्महत्या जरूर करें पर अपने नंबर पे। नंबर पे आत्महत्या करने वाले की भी लाइन है? हाँ जी, जदों पीड़ पै जावे तो लाइन लाने ही पैंदी है। ए, ए सब भी दुखी ने? नानक दुखिया सब संसार। किसे कोल खान ले अन्न नहीं, किसे कोल जीन ले तन नहीं, किसे कोल रहन ले थान नहीं, किसे कोल न्याने दी मां नहीं। भलिया लोका ऐथे दुख किन्नू ने? पर तू दस तेनू की दुख है? मैनू दुख पूछना? मैं घर जो आई हाँ, मेरी जिंदगी जक दी पट्ठी है। पर तू जा अपनी बारी ना गवा बैठी। आत्महत्या करना है? हाँ जी। लिया दे जो कुछ तेरे कोल है, एक घड़ी, पेन, अंगूठी, पैसे लिया। ओ क्यों? इसलिए कि मेरे अंदर जिंदा रहने का चाह है और जिंदगी दिया सब लोड़ा मैं मरण वाले दे माल नाल ही पूरी करना। पर मेरे कोल देने वास्ते कुछ भी नहीं है। ऐसे करके जान देना है? सुन पुत, किसे ने क्यों जन्म लिता ऐसी नहीं पूछ सकते, पर कोई क्यों मर रहा है ये पूछने से कोई हर्ज नहीं ना। पर जिद कोई आस न रहे वो जीक की करे। तेरी केड़ी आस टूटी है? बोल दस। मैं इस दुनिया च कलम कला है, बस एक मामा वही एक सहारा है। संगीत का मैनु शौक सी पर वो भी मेरा पेट ना भर सकया। मेरा इतने कोई भी नहीं हैगा, मैं धरती ते एक बोझ है, मेरे चारों तरफ हनेरा ही हनेरा और कुछ भी नहीं हैगा। मूर्खा ए गल तू भूल गया कि हर दुख दे बाद सुख, धुप दे बाद छां और हनेरे दे बाद चानना होके ही रवेगा। पर ए जिंदड़ी एक बार खोके दोबारा हाथ नहीं आउंदी। ए जिंदड़ी जीवन लईए मौज मनान लईए, ए जिंदड़ी जीवन लईए मौज मनान लईए, ए जिंदड़ी जीवन लईए मौज मनान लईए, जिंदगी जीव लेंगे मौत मना लेंगे। कदी कदी हनेरा होवे, कदी कदी हनेरा होवे, कदी कदी चानना दुख सुख जिंदड़ी दा अंग संग जानना। कदी कदी हनेरा होवे, कदी कदी चानना दुख सुख जिंदड़ी दा अंग संग जानना। कदी कदी हनेरा होवे बहार तेरी फुला दा निखार तेरा वेख
आँख खोल के तू सब तेरे कोले सब तेरे कोले कदी कदी हनेरा हुए कदी कदी हनेरा हुए कदी कदी चानना दुख सुख जिंदड़ी दा अंग संग जानना कदी कदी हनेरा हुए अज पाल पंगड़े कल दी न सोच प्यारे कोई ओ आदमी है जेड़ा गम तो नहारे दूर टोल बजदा देंदा ए सुनेड़ा तैनू की पता मिल जाने दुनिया दे ऐश सारे दुनिया दे ऐश सारे कदी कदी हनेरा होवे कदी कदी हनेरा होवे कदी कदी चानना दुख सुख जिंदड़ी दा अंग संग जानना कदी कदी हनेरा होवे कदी कदी चानना दुख सुख जिंदड़ी दा अंग संग जानना कदी कदी हनेरा होवे कदी कदी चानना कदी कदी हनेरा होवे कदी कदी चानना शीला उम्र कितनी है 32 बरे
बत्ती वरे उम्र ते न्याने चार चार ओ ते दो असी छे देख शीला हुन तेनू पूरे हफ्ते इत्थे रोज आना पएगा रोज ओ मैं किस तरह आ सकनी हां किस तरह नहीं आ सकदी भैया ने पैसे कित्थों आणगे ओए सरकार तुहाडी भलाई वास्ते सब कुछ मुफ्त कर दी है मुफ्त कर दी ते फिर तुसी आंडे भी मुफ्त देंदे हो आंडे केड़े आंडे कुकड़ी दे होर केड़े आंडे बस सिर्फ छे आंडे चाहिदे ने ओ तेनू शर्म नहीं आंदी तू फैमिली प्लानिंग दे दफ्तर विच आके आंडे मंगनी है चले जाथो हैं बेच दिए अंडे ते अकड़ जे कुकर वांग जे अंडे नहीं देने ते बाहर बोर्ड क्यों लाया है काडा बोर्ड लगया है तू अन्नी है ओए अन्नी तू होएंगी चल वेख लगा है बाहर के लाई चल चल उठ मैं भी चल ले दस दिन बड़ी आई है बच्ची ला दे जा हां हां जी और वेख ले आपे देख ले ओए मैं की देखा तू ही वेख हां अपनियां कुकड़ियां नु कहंदी है दिन विच तीन वारी अंडे दियो ते जनानियां नु कहंदी है ब्रेक आ लाओ ए ठीक है तेरा काम अंडे इकट्ठे कर रहे हैं ओ इधर बाहर आओ ओए हुणे आया जी पहले ए दसो के बोर्ड क्यों चेंज कीता ओ कुंडा हो गया है ए मुर्गी खाने दा बोर्ड गलती नाल तोड़े दफ्तर लग गया ए जरूर कुड़क कुकड़ियां दी शरारत है मैं हुणे ही बदल देना दो टिकटां फर्स्ट क्लास दी चेंज कर ली लै ले जाओ लै ले पर सुनो ते सही सारी दिहाड़ी सुनने आ अपनी बारी ते आओ मेनू फर्स्ट क्लास दी टिकटां चाहिदी ने भैन जी फर्स्ट क्लास दी लाइन है लाइन च आओ कल सुनो मैंने दो टिकट फर्स्ट क्लास दी चंडीगढ़ ली ले दोगे मेरे पिताजी ने बहुत जरूरी काम है बेबी असी लाइन च लगे आ तो तू भी लाइन च लग जा माफ करना जी अगर कोई तकलीफ कोई मुश्किल कोई शिकायत हो तो बंदा हाजिर है दो टिकट फर्स्ट क्लास या चंडीगढ़ वास्ते लेनी है सी बस बस एडी जी गलत है तुसी एडी बड़ी परेशानी कर ली है मेरे पिताजी नु बहुत जरूरी काम है ना टिकट लेनी है तो पैसे दो तुसी मेन टिकट ले दोगे बादशाह तुसी टिकट दे पैसे दियो तुसी हेलो मैं तनु खामखा तकलीफ दे रही है ना के गल कर रहे हो बादशाह असी ते थोड़े सेवादार है सेवा बगैर कभी मेवा मिले तुसी 2 मिनट ठहरो मैं हुनी टिकट लेके आना अच्छा मामा जी करी पेना आ मेरे जुनू भाई आज बड़े दिन बाद दिसे हैं क्यों आज फिर टिकट चाहिए मामा जी तुसी जानी जान मेरी बोले बगैर ही पहचान जाने आज भी तेनू कुड़ी वास्ते टिकट चाहिए है मामा जी कुड़ी नहीं कुड़ी पटाका है पटाका स्वर्ग दियो ओ मूर्खा तू ते हर कुड़ी दे बारे च इस तरह कहना मामा जी कुड़ी नहीं है लखा चो एक है ओ बेवकूफा कुड़ियां तेरे कोलो टिकटा मंगा के आप ते गड्डी चढ़ जांदियां ने ते तेनू छड़ जांदियां ने प्लेटफार्म ते गड्डियां उड़ीकन ले मामा जी एर की अदा नहीं होना मैं उन्हों एर की कल्ले गड्डी नहीं चढ़न देना तुसी बस मैंने टिकट मंगा दियो कड़ पैसे मैं क्या टिकट लेके आ गया बाबू आ जाएगा हाँ आ जाएगा जरूर आ जाएगा जब गड्डी लंग जाएगी हुण उड़ी कौन इत्थे खलो के शायद तुहानू पता नहीं अजकल दे मुंडे टिकट लिया के देन दे बहाने पैसे लैके तितर हो जांदे ने इन्हां दा भरा पूरा गैंग बनया गैंग आओ जी पिछले महीने मेरा भरा भी इत्थे इंज ही लुटिया गया सी आ सुनो की कह रहे जी इस करके तुसी इत्थे खलो के अपना खूना सकाओ ते रेलवे स्टेशन दे थाने जाके अपनी रिपोर्ट लिखाओ कुछ समझियो सुनो जी आओ जी बैठो दसो की काम है ओ गले सी के हो आलो जी बदामी रंग दी पेंट बदामी डब्बियां वाली कमीज लंबा जे कद ते बड़े बड़े वाल सी आ देखो ए बदमाश आ देखो अच्छा ओ होने लेना फड़ के नठ किथे नन्ना है पर मैं क्यों नठा मैं कोई रेस दा कोड़ा है चंगा चल फिर थाने पर क्यों ओए मैं जो कहना और तेरे कहने नाल की हुंदा कोई तक्का शाही है तू थाने जा चल अंदर कुड़िया नु लुटना है होने दसना तैनू चल 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 सीधा चल ओफो भैन जी उठा एकदम बदमाश हां जी हुई की एक सीधे साधे शरीफ आदमी नु बदमाश आख्या जा रहा शर्म नहीं आंदी थानू टिकटां ला के देन दा यही नाम मिले मेनू चलो फड़ो जावा मैं
ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੀ ਪੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨੂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵੋ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਰੋਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਡਾਂਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਦਿਨੂ ਬਾਊ ਪੋਪਟਲਾਲ ਜੀ ਆਜੋ ਆਜੋ ਮੈਂ ਕਿ ਦਿਨੂ ਬਾਊ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਵਿਲਾਇਤੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅੰਡਾ ਅੰਡਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਸਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੀ ਦੇਖ ਭਾਈ ਦਿਨੂ ਬਾਬੂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਦੇਖ ਵੇ ਸੁਣ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੀ ਚਲੋ ਫਟੋ ਫਟੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਨੂ ਬਾਊ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰਾ ਬੁਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਲਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਕੁਸਨ 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 ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੜ ਇਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਕੁਸਨ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿਨੂ ਬਾਊ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟਿਬਰੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪੋਪਟਲਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਪੋਪਟਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਕੀ ਨੋ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਪੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨੱਠੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਰਦੇ ਚੋੜੇ ਲੰਗੂਟੇ ਹੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਪਟਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਬੋਲਣਾ ਅੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਏਗਾ ਅੰਡਾ ਆਹੋ ਆਮਲੇਟ ਹਾਫ ਬੋਇਲ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਪੋਪਟਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਦੜਵਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਅਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਪਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਛੁੱਟੀ ਪਰ ਪੋਪਟਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੇਲਿਆਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਫੜ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਫੜ ਲੈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾ ਪੋਪਟਲਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਓਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਅੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਕੜੀ ਪਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਦੇ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੰਗੀਤ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਮਲਤੀ ਕੁੰਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਣਾ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਹਿ ਤੇ ਜਾਓ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਖਾਮ ਖਤਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜੋ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਦੇ ਲਓ ਦੰਡ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ